विधानसभा चुनाव 2023 के आदर्श आचार संहिता लागू होते ही भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसके चलते दुर्ग भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वह दुर्ग भाजपा कार्यालय के बाहर घोषित प्रत्याशियों के पहुंचने पर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई गई। दुर्ग शहर में आगामी दिनों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की। इसके बाद दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव और दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर के नामों की घोषणा के बाद दुर्ग के भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल नजर आया। इस बार भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़े ही गर्मजोशी से दोनों प्रत्याशियों का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। इस दौरान कार्यालय पहुंचे प्रत्याशी गजेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी के प्रमुख नेताओं का धन्यवाद दिया और वरिष्ठ जनों ने कार्यकर्ताओं पर अपना विश्वास जताया, जिस पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा। दुर्ग ग्रामीण प्रत्याशी ललित चंद्राकर ने कहा कि छोटे से कार्यकर्ता को दुर्ग ग्रामीण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके लिए मैं पार्टी और वरिष्ठों का आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, राजनीतिक पार्टी में अपने विचार रखने के लिए कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं और कोई भारतीय जनता पार्टी दुर्ग संगठन जिला में मैं देख रहा हूं कि कोई मनमुटाव नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हैं पार्टी कार्यालय में सारे के सारे जितने लोग टिकट मांग रहे थे और जितने लोग संगठन में दायित्ववान लोग हैं सब खुश हैं और निश्चित तौर पर दुर्ग जिला में भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। इस छोटे से कार्यकर्ता को आज एक बड़ी जिम्मेदारी, एक सामान्य कार्यकर्ता को आज भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग ग्रामीण के एक टिकट दिया है और उसके शीर्ष नेतृत्व के विश्वास पर पूरा खरा उतरने का हम प्रयास करेंगे। जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास किया है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं को, श्रद्धेय ओम माथुर जी को, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी को, आदरणीय अरुण साहू जी को, श्रद्धेय अजय जामवाल जी, पवन साह जी सहित सभी प्रमुख नेताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और दुर्ग के जनता जनार्दन और यहाँ कार्यकर्ताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके विश्वास पे पार्टी ने आज मुझे प्रत्याशी बनाया। अरे, दुर्ग जिला में पाटन विधानसभा में श्री विजय बघेल जी, दुर्ग ग्रामीण में श्री ललित चंद्राकर जी, दुर्ग शहर में श्री गजेंद्र यादव जी, भिलाई में प्रेम प्रकाश पांडे जी, वैशाली नगर में रिकेश सेन जी और अहिवारा में डोमन लाल कोसेवाड़ा जी, साजा विधानसभा में श्री ईश्वर साहू जी को टिकट दिया गया है। सारे के सारे प्रत्याशी योग्य प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी दुर्ग संगठन के हम सभी सीटों को जीतेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।